जम्मू एक्सप्रेस उमरान मलिक जिसे पूरा वर्ल्ड जो है वो जानता है, लेकिन ऐसे में बात करें सनराइजर हैदराबाद की तो 4 करोड़ की प्राइस में जो है वो उमरान मलिक को जो है वो रिटेन किया है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो अफसोस इस बात का है कि बावजूद इसके जम्मू एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाले उमरान मलिक को जो है वो अभी तक इंडिया की टीम में जो है वो खेलने का मौका नहीं दिया गया है, जिसके बाद लगातार इस समय जो है वो उमरान मलिक सुर्खियों में है और बड़े बड़े जो क्रिकेटर हैं वो भी इस बात को लेकर अपनी बात जो है वो रख रहे हैं। आपको बताने चले कि साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारत की वन डे टेस्ट और T20 टीम का जो है वो ऐलान हो गया है और कई सारे युवा खिलाड़ियों को इस टूर के लिए जो है भारतीय टीम ने जो है वो भारतीय टीम में जो है वो जगह मिली है। लेकिन जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज खासकर जम्मू के ये कहें कि जम्मू एक्सप्रेस उमरान मलिक को शामिल जो है वो इसमें नहीं किया गया है और उमरान मलिक को यहाँ तक कि ए टीम में भी कोई भी जो है वो जगह नहीं मिली है। और इससे जो बाकी क्रिकेटर हैं जिसमें ये कहें कि पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान जो है वो काफी ज्यादा नाराज है, यानी कि वो जो है वो खुश नहीं है और उन्होंने ये कहा है कि उमरान को कम से कम ए टीम में जो है वो जरूर शामिल किया जाना चाहिए था, क्योंकि उमरान मलिक की अगर बात करें तो वो अपने बेस के दम पर जो है वो इंडियन टीम में जो है वो आए थे और उन्होंने आईपीएल में काफी तेज गति से जो है वहां पर गेंदबाजी की थी और आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने का भी रिकॉर्ड जो है वो बनाया था। आईपीएल 2022 के सीजन में उमरान मलिक ने शानदार गेंदबाजी की थी और 14 मुकाबलों में 22 विकेट जो है वो अपने नाम किए थे, लेकिन हालांकि आईपीएल 2023 का सीजन उनके लिए अच्छा नहीं रहा था और पिछले काफी समय से वो इंडियन टीम से भी जो है वो बाहर चल रहे थे। वहीं आपको बताने चले कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए जब टीम का ऐलान हुआ तो उसमें किसी भी टीम में जो है वो उमरान मलिक का नाम जो है वो नहीं था और इरफान पठान के मुताबिक उमरान को जो है वो कम से कम ए टीम में तो जरूर जो है वो शामिल किया जा सकता था, लेकिन उन्हें जो है वो ये इस बात का ये पूरा जिक्र जो है वो उन्होंने एक्स यानी कि जिसे ट्विटर के नाम से पहले जाना जाता था इस पर जो है वो इरफान पठान जी द्वारा किया गया है, जिसमें ये कहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो इनको कम से कम ए टीम में तो शामिल किया जाना चाहिए था क्योंकि काफी तेज गेंदबाज हैं। और इन्हें बात करें अगर सनराइजर्स हैदराबाद की तो सनराइजर हैदराबाद ने जो है वो 4 करोड़ की प्राइस में जो है वो उमरान मलिक को रिटेन जो है वो किया है, लेकिन जिस तरह से आप कहीं ना कहीं जम्मू एक्सप्रेस उमरान मलिक के साथ जो है वो ये सब जो भी हो रहा है इससे कहीं ना कहीं लाखों फैंस भी नाराज हैं और कई सारे जो पूर्व क्रिकेटर हैं चाहे वो विराट कोहली हो यूसुफ पठान हो ये भी इस समय जो है वो काफी ज्यादा नाखुश हैं और ये भी ये चाहते हैं कि इसको जो है वो कहीं ना कहीं उमरान मलिक को जो है वो इसमें जगह दी जानी चाहिए, यानी कि इसका भी इसमें जो है वो शामिल किया जाना चाहिए था, पर ना जाने ऐसा क्या वजह रही है कि इन्हें जो है वो इसमें जो है वो शामिल नहीं किया गया। जम्मू एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाले उमरान मलिक के जो कई सारे जो फैंस हैं वो इस समय नाराज हैं और हर कोई इस पर अपनी राय जो है वो रख रहा है, लेकिन आप जनता भी इसमें अपनी राय जो है वो जरूर साझा करें कि किस तरह से जो है वो अब तक इन्हें जो है वो अभी तक जो है वो इंडियन टीम का खेलने का जो है मौका इन्हें क्यों नहीं जो है वो दिया गया है। आप जनता इस पर क्या कुछ कहना चाहती है अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर जम्मू।